पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, पूर्व सांसद और मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रविवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन मुरादाबाद जनपद के पदाधिकारियों ने टेम्परेशन स्वीट सिविल लाइन्स में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश अग्रवाल का जन्मदिन केक काटकर मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। जनपद भर के तमाम व्यापारी उपस्थित रहे। संगठन के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संगठन के प्रदेश मंत्री अरविंद अग्रवाल जौनी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश अग्रवाल की दीर्घायु होने की कामना की। जिलाध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सभी व्यापारियों ने संगठन को मजबूत करने को लेकर जोर दिया। अग्रवाल जी जिंदाबाद, नरेश अग्रवाल जी जिंदाबाद, नरेश अग्रवाल जी जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश उद्योग जिंदाबाद, नितिन अग्रवाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेश अग्रवाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश रस्तोगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेश अग्रवाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद, संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद जौनी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन। ये आज मैं उत्तर प्रदेश उत्तर व्यापार संगठन का मैं प्रदेश मंत्री अरविंद अग्रवाल जौनी आपके सामने प्रदेश भाइयों प्रदेश वालों के सामने उठाते हूँ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय नरेश अग्रवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नरेश अग्रवाल जी उत्तर प्रदेश उत्तर व्यापार संगठन के आज उनका 72वां जन्म दिन पूरा हो चुका। 72 के बाद 73वां जन्मदिन आवा आज उनका, है ना। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभिन्न जिलों में हम उनका जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम मुरादाबाद के अंदर भी उनका जन्मदिन आज टेम्परेशन स्वीट पे बिंदल स्वीट हाउस के बिंदल शॉप के द्वारा मना रहे हैं। आज हमारे जितने व्यापारी मुरादाबाद के हैं, जो हमारे साथी हैं, सब इसमें सम्मिलित हुए हैं। यहाँ मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष राजेश कौली को नेतृत्व दिया गया है यहाँ का जिला, यहाँ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जन्मदिन के मनाने का। साथ ही हमारे साथ हमारे साथी जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, श्री तस्कीर हुसैन जी, अतुल सुखी एडवोकेट जी, दीपक कत्याल जी, सुनील कत्याल जी, आदेश गुप्ता जी और टोनी भाई जी, टोनी सहगल जी हमारे, सुनील अग्रवाल जी, सुमित अग्रवाल, बहुत सारे व्यापारी इसमें आज उसमें सम्मिलित हुए। आगे की रणनीति यह है कि मुरादाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन और पूरे उत्तर प्रदेश में जो कार्य हो रहा है, इसके अंदर व्यापारियों की समस्याओं को लेकर, अगर कोई समस्या व्यापारियों की जीएसटी को लेकर है, उसको लेकर उनके माध्यम से हम सरकार को अवगत कराएंगे। जीएसटी काउंसिल की बहुत सारी समस्याएं सामने आई है कि जीएसटी में ये जो चेन देख रहे हैं, ये जीएसटी में व्यापारियों को क्लेम किया जा रहा है कि अभी जब वो जीएसटी रिफंड लेने आते हैं, जब रिफंड देते हैं तो क्लेम करने में जब उनको केस करते हैं ये, तो 5-5 साल की चेनें देख रहे हैं। उस चेन में उनका क्लेम होता है, जीएसटी पोर्टल पर तो दिखाई नहीं देती वो चेन, लेकिन अगर इनका उनके पोर्टल दिखाई देती है, जीएसटी के अधिकारियों के पोर्टल पर चेन दिखाई देती है। तो हमारा उससे ये चला है शासन के स्तर पर जीएसटी काउंसिल में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि व्यापारी जो बिल लेते हैं और बिल लेने के बाद जब उनको केस होता है तो उनके पोर्टल पर जाके उन्हें परेशान करते हैं अधिकारी, तो उनका जो चेन है जीएसटी पोर्टल पे व्यापारी की भी पोर्टल पे दिखाई जाए। लेकिन अधिकारी से, हमारे एक अधिकारी से वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सारी प्राइवेसी है होती है, लेकिन हमारा कहना यह है कि जो व्यापारी है उनका उत्पीड़न होता है इससे, क्योंकि व्यापारी को क्या पता कि वो जिससे बिल ले रहा है, वो जिससे बिल ले रहा है, वो जिससे बिल ले रहा है, उसे कैसे मालूम पड़ेगी वो पीछे वाला डिफॉल्टर है। तो ये एक समस्या बहुत बड़ी व्यापारियों को मुरादाबाद में, क्योंकि बर्तन का ज्यादा काम है, अब मुरादाबाद एक इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे ज्यादातर व्यापारियों की समस्या बहुत बड़ी व्यापार से संबंधित ही है। मतलब कुल मिला के व्यापारी की समस्याओं का समाधान करेंगे, उसके उत्पीड़न के लिए और उसका समाधान करने के लिए हम इसका प्रयास करेंगे कि ताकि जो उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, व्यापार व्यापारियों की समस्याओं का समाधान। और ज्यादा और समस्याएं हैं वो अपने अपने स्तर से हमारे जिला अध्यक्ष से आपने बताया कि वो क्या क्या करेंगे, वो सब चल रहा है। और मैं पुनः आप सब जितने भी मीडिया के भाई आए हैं उन सबका धन्यवाद अदा करता हूँ जो इन्होंने यहाँ पर आम के हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया। और शांत रहो। हाँ जी जी साहब, आज श्री नरेश अग्रवाल जी जो कि हमारे पूर्व सांसद हैं,
और आज उनका उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन है जो कि यहाँ बड़ी धूमधाम से मुरादाबाद में मनाया गया। मुरादाबाद महानगर की जो हमारी जिला इकाई महानगर इकाई उसके द्वारा ये आज नरेश अग्रवाल जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया है। ये टेम्पटेशन की जो जगह है हमारे भाई करण सिंह जी की, उन्होंने ये पूरी व्यवस्था कराई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। हमारे मुरादाबाद महानगर के सारे व्यापारी आज यहाँ इकट्ठे हैं, एकत्रित है और सब लोगों ने बड़ी जोश और खरोश के साथ ये आज जन्मदिन मनाया आपने आदरणीय नरेश अग्रवाल जी का। और हम मुरादाबाद महानगर के समस्त व्यापारियों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम यहाँ हुआ है, इस कार्यक्रम की शुरुआत बहुत दिन पहले राही में हम कर चुके हैं, जो बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने मुरादाबाद में किया था। माननीय आबकारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो उसमें आए थे और उन्होंने सब मुरादाबाद के व्यापारियों से ये वादा किया था कि यहाँ के किसी व्यापारी को अगर कोई ऐसी परेशानी आती है जो लखनऊ से सॉल्व होगी, तो उन्होंने कहा था कि मैं लखनऊ में बैठा हूँ। और मुरादाबाद महानगर में सभी व्यापारियों के साथ हम दिन रात एक रहेंगे, एक साथ रहकर ये कार्यक्रम बहुत सुंदर से चलाएंगे। इस संगठन को बहुत मजबूत बनाने के लिए हम पूरे जिले में अपनी इकाइयां बनाएंगे और इकाइयों के द्वारा इस संगठन को मजबूत करके इस शहर की समस्याओं से निजात दिलाएंगे। और आज नरेश जी के आदरणीय नरेश जी के जन्मदिन पर सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।